हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक समर ड्रिंक जो इस भीषण गर्मी में हमें राहत देगा, वो है फालूदा शरबत। तो चलिए इसे हम घर पर किस तरह से बनाते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, इस तरह का फालूदा बनकर घर पे आराम से रेडी कर सकते हो। ठंडा ठंडा शरबत आप पिएगा घर पे, ठीक है। तो देखिए, एक पतीली बैठा दी हूँ, उसमें दो तीन चम्मच पानी डाल दी हूँ। इस तरह मैं करती हूँ, जिस तरह मैं करती हूँ आपको उसी तरह का बता रही हूँ। फिर आधा लीटर अमूल गोल्ड, कोई भी पैकेट का दूध हो आप डाल देना, मतलब गर्म करने के लिए, बॉईल करने के लिए बैठा देना। तो आधा लीटर दूध लिए हैं, इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, फिर उसको गर्म करने के लिए बैठा देंगे। अभी गर्म नहीं हुआ है, तो उसी दूध में से मैं दो कड़छी निकाल ली हूँ दूध, वो आगे आपको मैं बताऊँगी उसका क्या करना है। तो देखिए, अब इसमें बॉईल भी आ चुका है दूध में, अब आधा कप हम शक्कर भी डाल दिए हैं ताकि थोड़ा मेल्ट हो जाए, बस उसको पिघलाएंगे उसी में, ठीक है। स्वादानुसार आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो। तो यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर मैं ली हूँ, ठीक है, जो दो चम्मच हम दूध निकाले थे ना उसी में घोलने के लिए। अगर दूध के जगह आप पानी से भी घोल सकते हो, मैं दूध ही निकाली हूँ, तो उसमें अभी अच्छे से लम्स जाने तक उसको अच्छे से, देखिए दो चम्मच मैं निकाली हूँ, उसको अभी घुल कर पूरा बताऊँगी। इस तरह पूरा अच्छे से हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं होगा तो कॉर्न स्टार्च होता है ना, वो भी यूज कर सकते हो दो चम्मच, ठीक है। तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब ये दूध में डालेंगे। तो दूध में किस तरह डालेंगे, तो देखिए अभी ये शक्कर भी मेल्ट हो चुका है, ऐसे देखेंगे पहले तले में लगा है या नहीं, पूरा मेल्ट हो चुका है। तो अभी ये जो हम कस्टर्ड पाउडर भी इसमें दूध में घोल कर रखे हैं, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसको एक बार ऐसे स्टर कर लेंगे, ताकि नहीं तो तले में चिपका रहता है ना कस्टर्ड पाउडर भी, तो इसलिए एक बार उसको भी हिला देंगे और थोड़ा थोड़ा करके इस फ्लेम को स्लो करके ही इस दूध में डालिएगा ये कस्टर्ड पाउडर को, तो ठीक हो जाता है। फिर उसको तुरंत ऐसे स्टर करते रहिए। देखिए अभी इतना गाढ़ा हो गया ना, फ्लेम को स्लो कर देना, ओके। तो स्लो करके ही इसको थोड़ा धीरे धीरे डाल डाल कर इसको हम पूरा मिक्स करते जाएंगे और इस तरह ये गाढ़ा हो जाएगा और उबलने तक इसको रखे रहेंगे, ताकि एक दो उबाल आ जाएगा तो फिर बंद कर देंगे। ठंडा होने के लिए आप इसको फ्रिज में एक दो घंटा रख सकते हो, ठीक है। तो देखिए अभी दूध को उबाल आने के लिए मैं रखी हूँ, एक दो उबाल आ जाएगा तो उसको मैं उतार लूँगी, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर डाले थे और दूध भी डाले थे, वो कच्चा था ना, तो इस गर्म दूध में डालेंगे और एक बार ऐसे खौला लेंगे तो इसका कच्चापन चला जाएगा और अच्छी तरह से दूध उबाल हो जाएगा, उबाला जाएगा तो एकदम परफेक्ट पक चुका है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का पूरा हो गया है, अब मैं मिक्स करके से बता रही हूँ। थोड़ा थिक कितना हो गया ना, दो चम्मच से ही इतना थिक हो जाता है। और आप चाहो, अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगेगा तो आधा पानी, आधा कप पानी डाल सकते हो, ठीक है। उसको अभी मैं ठंडा करने के लिए साइड में रख दी हूँ, निकाल के गैस पे से उतार ली हूँ और ठंडा करने के लिए रखी हूँ बाहर। ठंडा जब हो जाएगा तो फ्रिज में एक दो घंटे के लिए रख देंगे। तब तक यहाँ पर अभी उसको तो फ्रिज में रख दी हूँ, यहाँ पर अभी देखिए डेढ़ कप मैंने पानी डाल दिया है अलग बर्तन में, और ये जो ये है सेवई है ना वर्मिसल, इसको आधा कप, आधा कप सेवई, इसको कुछ फ्राई नहीं करेंगे, कुछ नहीं, इसे कच्चा सेवई इसमें डालेंगे, क्योंकि फालूदा में आप जब खाते हो पीते हो तो चबा चबा कर ऐसे खाते हो तो ये लगता है ना मुंह में, ठीक है। तो ये है सेवई वर्मिसल का, पतला वाला सेवई नहीं लेने का, ये मोटा वाला सेवई वर्मिसल वाला ही आता है। उसको हम पका लेंगे, तीन चार मिनट इसको बस हाई फ्लेम में पकाना है। जब पानी थोड़ा उबलने लगेगा तब ये डाल देना, और तीन चार मिनट के लिए इसको बस ऐसे मिक्स करते स्टर करते जाना, ठीक है। तो ये हो जाता है पूरा, थोड़ा ऐसे देखने का अभी हुआ या नहीं, थोड़ा ऐसे उंगली से ऐसे दबा कर देखोगे, अगर ऐसा टूट जाता है तो तुरंत बंद कर देने का, फिर छन्नी से छान कर निकाल देने का। तो देखिए अभी मैं देख रही हूँ हुआ या नहीं, तो अभी और थोड़ा होगा, ये अभी हो चुका है, तीन चार मिनट हो गया है, मतलब पक चुका है। तो देखिए ऐसे हाथ में से ऐसे दबाओगे ना तो दब जाना चाहिए, ये अभी दब चुका है, तो अभी हम निकाल लेंगे। अब इसको ऐसे छन्नी में नीचे से पतीली कोई भी रखोगे और उसको गरम गरम ऐसे पानी को स्ट्रेन कर दोगे, फिर उसमें ठंडा पानी डाल देना, ताकि एकदम चिपको चिपको नहीं लगेगा। ठंडा पानी डाल दोगे तो एकदम एकदम खिला खिला ये रहता है और चिपका हुआ नहीं लगेगा, बहुत अच्छा रहता है ये इस तरह करोगे तो,
ठीक है। तो इसको अभी अलग बाउल में हम निकाल कर रख देंगे। ये भी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया किस तरह से करना है। और नेक्स्ट चलिए, और ये गर्म से ही निकाल लेंगे, अलग से इसको रखेंगे, उस गर्म पानी में ही नहीं रखे रहने का, ठीक है। नहीं तो इसका स्टीम लगेगा तो और नरम हो जाएगा, चिपचिपा लगेगा। तो देखिए एक घंटा हो गया है, कितना ठंडा हो चुका है और ठीक हो चुका है ना अपना ये दूध। और जो कस्टर्ड पाउडर डाले थे तो अभी जितना हम सब ऐसे धो कर रखे थे, छान कर निकाले थे पानी से, ये मिसल सेवई, तो इसमें सब डाल देंगे, आधा कप है सिर्फ, ठीक है। तो इतना सारा डालकर उसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। उसको मिक्स करके भी रख लेंगे। अब ये एकदम परफेक्ट है, शुगर भी डल चुका है और सेवई भी, ठीक है, कस्टर्ड पाउडर भी और दूध में, कितना मस्त लग रहा है देखिए इस तरह का बनाने का। तो ये अभी आप चाहो तो रू अफजा डाल सकते हो, कोई भी कलर फ्लेवर देने के लिए मैं थोड़ा सा ही डाली हूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है ये रू अफजा का फ्लेवर, तो मैं एक चम्मच ही डाली हूँ। नहीं तो आप घर पे कोई अगर कलर बना कर रखे रहोगे तो वो भी डाल सकते हो, आपके अनुसार, फ्लेवर के अनुसार आपको जो कलर पसंद हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गुलाबी कलर ली हूँ, रोज़ कलर वो डाल दी हूँ, रू अफजा का थोड़ा सा एक ही चम्मच में डाली हूँ, और लाइट कलर की हूँ, पिंक कलर। फिर ये सब्जा को, दो चम्मच सब्जा को रात भर में भिगो दी थी, फिर देखिए सुबह देखी तो इस तरह हो गया है, पूरा ऊपर फूक कर आ चुका है। तो अभी उसमें पूरा सब एक साथ नहीं डालूँगी, ये ग्लास में जितना भी खाना रहेगा उतना हम डालेंगे इसमें, बाकी सब फ्रिज में फिर रख देंगे। और तुरंत सबको अगर चार पाँच जन को खाना रहेगा तो तुरंत एक एक ग्लास में और डालते जाने का, और फिर स्पून से मिक्स कर देने का, आइस क्यूब भी डाल देने का, आइसक्रीम का एक क्यूब भी डालकर आप ऐसे मजे ले सकते हो ये फालूदा शरबत का, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, एकदम ठंडा ठंडा मस्त, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो देखिए आधा ग्लास मैं ले ली हूँ, पूरा भर कर नहीं लेना वरना आइसक्रीम ऊपर से नहीं डाल पाएंगे। अब देखिए मैं सब्जा डाल रही हूँ, पूरा सेवई वगैरह सब आ गया है, अब सब्जी की बारी है। सब्जा भी डाल दी हूँ दो चम्मच, अब उसको स्टर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर अगर आप और टेस्टी चाहते हो तो ड्राई फ्रूट्स भी रखे रहना, ड्राई फ्रूट्स को ग्रेट करके भी डाल सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो उसका पाउडर बनाकर भी डाल सकते हो, जैसे आपको पसंद है। मैं नहीं डाली हूँ लेकिन मैं बता रही हूँ किस तरह से सब करके हम ये फालूदा शरबत का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आइसक्रीम मैं घर पर बना कर खरीद कर रखी थी, बनाकर भी आप रख सकते हो, उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये खरीद कर रखी थी। देखिए इस तरह चॉकलेट का भी मेरे पास है, और ये वाला आइसक्रीम भी है, ठीक है। आपको जो आइसक्रीम का फ्लेवर पसंद आता है ना वो आप यूज़ कर सकते हो, इसके ऊपर ऐसे अभी सर्व कर देंगे। इसी में ही आप आइस क्यूब भी रख सकते हो और ऐसे ही फिर आइसक्रीम का फ्लेवर डाल देना, कोई भी स्ट्रॉबेरी हो, कोई भी आइसक्रीम आप ऐसे सर्व कर देना तो बहुत अच्छा लगता है। स्पून के साथ खा सकते हो, चबा चबा कर इसे खाइए, पीते पीते खाइए, ये बहुत ही गर्मियों में ये बेहतर है। सब्जा तो अपने सेहत के लिए कितना अच्छा है, तो इस गर्मी में आप इस तरह फालूदा घर पर बनाइए और खाइए। अगर ये अच्छा लगा फालूदा शरबत बनाने की रेसिपी, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद मिसेस साहू को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, गले में दिक्कत है, इसलिए ऐसा आवाज़ निकल रहा है। अगर दो दिन का गैप ले ली हूँ, नहीं बनाऊँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप फालूदा बनाइए, अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। देखिए नेक्स्ट फिर मिलते हैं।